हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ काकुमी का थर्ड पार्ट। जिनके लिए ये नया है, जिन्होंने ये नहीं देखा, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसके दो पार्ट लिंक में डाल दिए हैं। और दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो सभी आपके लिए ही है, जिससे मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक किया करो यार। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सभी आपको पसंद आ रही है, जिससे हमारे चैनल में और भी फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप सभी का शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। तो गोकू और बीरस की फाइट अब इस लेवल पे आ जाती है कि उनकी एनर्जी से एक जानवर के बाल गायब हो जाते हैं और ये उसको पता भी नहीं होता। और बीरस गोकू के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है और गोकू बीरस से दूर भागे जा रहा है, क्योंकि गोकू के पास अब और आगे जाने की पावर नहीं है। गोकू अपने लेवल की पिक पर है और वो बीरस से नहीं लड़ पा रहा, लेकिन बीरस तो लड़ाई में ज़्यादा एक्साइटेड है। वो गोकू को बुला रहा है कि आके उसे फाइट करें। फिर बीरस पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। बीरस गोकू के पैर पकड़कर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी पावर लगा के इतनी दूर फेंक देता है और बीरस गोकू को इतनी स्पीड से फेंकता है कि गोकू अपनी बॉडी में कंट्रोल ही नहीं कर पाता और गोकू प्लैनेट्स को चीरता हुआ उसके मुंह से खून आ जाता है और गोकू टाको टाको नाम के प्लैनेट में क्रैश होने जा रहा होता है। टाको टाको में काफ़ी लोग होते हैं और एक बच्चा अपनी माँ को टूटता तारा दिखाता है, लेकिन वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं बल्कि गोकू होता है। तभी गोकू जमीन पर इतनी तेजी से क्रैश होता है, टाको टाको में कई किलोमीटर तक एक गहरा खड्डा हो जाता है और उस जगह में लोग जलकर धुआं धुआं हो जाते हैं। फिर जब धुआं हटता है तो वहाँ एक निवासी देखता है कि एक आदमी जमीन के अंदर धंसा हुआ है और गोकू की बॉडी से धुआं निकलने लगता है। तो दोस्तों, इससे आगे के पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं और स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो आपके लिए लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।